कहाँ जा सकती है वो? उसको तो यहाँ के रास्ते भी पता नहीं, पैसे भी नहीं है उसके जेब में। चोर 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 चोर, रुक जा। ओए, ओ ये तूने क्या किया है? इससे पहले मैंने रोका है। ओ बीबी, इससे पहले मैंने रोका था और पहुंचा भी इससे पहले मैं ही था। पहुंचने से क्या होता है, इसे पहले मैंने देखा और मैंने उसे रोका है। मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। सकीना, कर्जों के नीचे मैंने नहीं मरना, मरने का मुझे कोई शौक नहीं। सेल्फ सर्विस शुरू कर दी है मैंने, खुद शेव करता। हमने कौन से आपसे पैसे मांगे थे मास्टर जी, बस एक गाने की फरमाइश तो करते थे हम। यार तेरी फरमाइश जो है ना, उसने मेरे फन को बेमोल कर दिया था। हमारी दुकान पे गाता था तो सुनने वाले जब हंसते थे तो एहसास होता था कि बेजौकों के दरमियान जो है ना, बेकदरों के दरमियान फन की कोई कदर नहीं। हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं आपसे मास्टर जी। जो प्यार जितला दिया जाए ना, वो फिर प्यार नहीं रहता। हाँ, प्यार नहीं होता। बहुत मुश्किल होते हैं, अपने ही लगाए हुए दागों को धोना। बहुत मुश्किल होते हैं अपने ही लगाए हुए दागों को धोना। वाह मास्टर नाइट, क्या जिंदगी रहती है। लगता है तू भी अब दुनिया के लिए दाग बनता जाएगा। एक दिन मौत साफ कर देगी तुझे। जन्मदिन की कहानी बन जाएगा तू इस मोहल्ले के लिए। इस नए की दुकान पे बैठ के लोग तेरा जिक्र किया करेंगे। वक्त के साथ साथ मिसाल में बदल जाएगी तेरी कहानी। अब फिर मुक जाना है सब कुछ। कोई नहीं मानता कि तेरा नाम मिले। ये क्या किया आपने? सकीना को उस शख्स के पास भेज दिया जिससे जमानत उसे छीन के लाई थी। नायला, हर चीज अपने असल की जानिब ही लौटती है। वाह खाला वाह, इतने साल जमरद अपना खून जला जला कर उसे पालती रही, अपने औकात से बढ़कर उसकी परवरिश की, ऐसी जगह पर रखा जिसका हम सिर्फ ख्वाब देख सकते थे। और जब फल खाने का वक्त आया तो आपने पका हुआ फल उस नकदरे की झोली में डाल दिया। तो क्या करती मैं, वो सरबरी लड़की अपनी जान के दर पे थी। अगर उसे कुछ हो जाता मैं जमरुद को क्या मुंह दिखाती। देख नायला, ना छेड़ उसे जाने दे। तुझे पंजीदन का वास्ता, कर लेने दे उसे मनमानी, जी लेने दे उसे अपनी जिंदगी, बुरी या भली जिस तरह भी जिए हमें क्या। लानत भेज उस पर, भूल जा उसे कि कभी वो यहाँ आई भी थी। Thank you.
ओए तो तू कब आया? ओए ये क्या हुआ तुझे? मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ कि फिल्म देखने जाएंगे, तेरी लड़ाई हुई है किसी से? ओ नहीं यार, गड्डी से टक्कर हुई है। गड्डी बच गई? तू बच गया? शुक्र है यार, कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी, ना ही कोई टांके वगैरह लगे। बहरहाल डॉक्टर ने 1 दिन के रेस्ट का कहा है, अभी अस्पताल से आ रहा हूँ। यार बैठे बिठाई खर्चा पड़ गया। हाँ यार, लेकिन चलो एक्सरे करा के तसल्ली हो गई है। वे? खर्चा भी हो गया और पैसे भी बच गए। तू मजीद के साथ गया था ना वारदात करने? ओ नहीं ओ भाई, वारदात ओ वारदात तो मेरे साथ हुई है, हालत देख रहा तू मेरी? तो ये पैसे कहां से आए हैं? माफ कर दे यार। रंग से रंग न मिल पाए तो सौ सौ बल खाती है बेचारी, बेजोड़ मोहब्बत जैसे गुजर जाती है। तुम आपकी बेटी सकीना आपकी और समर्थ की बेटी सकीना अनायत। नानी बताती है मैं 1.5 साल की थी जब आपने मुझे आखिरी बार देखा, शायद आपको याद ना हो। मगर मेरी मामा तो याद होंगी, उन्होंने आपके साथ जिंदगी के 5.5 साल गुजारे। मतलब उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया? हाँ बड़े दावे किए थे उसने, कहेंगे उसके दावे, जिंदगी की कुल पूंजी अपने हाथों से कैसे उसने जाने दी? वो तो शायद कभी मुझे आपके पास ना भेजती, अगर जिंदा रहती। कैसे समझो? हाँ वो चली गई है। जुमरत जब से ईमान से तू मेरी जिंदगी में आई है ना और सोरे निखरने लग गए, और मुझे भी अपनी जिंदगी के आगे के सारे रिश्ते निखरे निखरे साफ साफ नजर आ रहे हैं। तुझे पता तेरे वाले से मैंने कितने ख्वाब देखे। और मैंने भी
चल फिर खाबा में रंग भरी है। इन ख्वाबों में रंग भर रहा है नायतुल्ला, वो आ रहा है हमारे इन ख्वाबों को मुकम्मल जिंदगी देने। कौन? हमारा बच्चा। बच्चा? कुछ कबल इस वक्त नहीं? कबल इस वक्त अनायतुल्ला, मैं तो कब से इस दिन के इंतजार में जिंदगी जी रही थी कि कब अल्लाह ताला ज़मुरद जैसी अधूरी औरत को भी ये शर्फ बख्शेगा। वो तो ठीक है मगर तुम इस खबर से खुश नहीं हुए नायतुल्ला? नहीं, खुश तो हूं लेकिन मेरा मतलब है ये वक्त बच्चा पैदा करने का और उसको पालने का तो नहीं है ना भाई, अभी इसके लिए पूरी जिंदगी आगे पड़ी हुई है। ये तो अपने आप को साबित करने का, अपनी दुनिया बनाने का वक्त है। ये हमारी दुनिया ही तो है, तुम मैं और हमारा बच्चा। इस बच्चे को हम देंगे क्या, एक कोठा? अभी तो मैं इस काबिल नहीं हुआ कि तुम्हारे शाने शान कोई बंदोबस्त करूं, तुम्हें इस जगह से दूर लेके जाऊं। खुद मैं शादी के बाद यहां रहने पे मजबूर हूं, तो इस माहौल में हैं? इस माहौल में हम बच्चा पालेंगे, ये उसे देंगे? नहीं, कभी नहीं। अरे रवि, इंतजार करो, जब तक कि हम कोई अपनी जिंदगी ना संवार लें, बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल ना दे सके। इस उम्र के अंदर ही तुम जाके घर बैठ के तो कई साल पीछे चली जाओगी, मुश्किल से तुम्हें रेडियो के बाद कोई टीवी के प्रोग्राम मिले, स्टेज पे कोई शामें मिली हैं। अब नहीं तुमने काम किया तो फिर बस रह जाओगी तुम इधरी कोठों के ऊपर मुजरा करने के काबिल। यार अब तो अपना मूड ठीक कर ले, अब तो तुझे खाना भी खिला रहा हूँ। वैसे आपस की बात है कि तू तो मेरे अंदाजों से भी ज्यादा बुजदिल निकला है यार, ऐसे दुम दुबा के वहां से भागा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। मजीदे, वैसे कल ना तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैंने क्या किया? और ज्यादा लेक्चर ना झाड़ मेरे पे। अच्छा, मुझे सब पता है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं। और मेरी बला से तू पावे डाके डाल, पावे जाके बम धमाके कर, लेकिन तूने कल जो मेरे साथ हरकत की है ना मजीदे, तुझे नहीं थी करनी चाहिए। और जब मैं तेरे साथ था तुझे क्या जरूरत थी मुझे फंसाने की? वो तो फायर भी खोल देता, वो पुलिस आ जाती ना तो लगे गए थे हम दोनों। और यार ये तू क्या मम्मी डैडी लोगों जैसी बातें कर रहे? पेंडू है पेंडू बन के रहे, और पेंडू ना बड़े जिदार होते हैं जैसे मैं हूँ। ओ भाई, ओ ये देख अपनी जिदारी ना अपने पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिदारी। और आइंदा से ना मुझे अपने दो नंबर कामों में ना फंसाई। ओ बस करो, मुझे पता है सारा तेरी ईमानदारियों का। अच्छा वैसे एक बात बता मुझे तू, अगर तुझे मौका मिले तेरी पिज्जा शॉप पे कुछ छोटी मोटी हेरा फेरी करने का तो तू नहीं करेगा? हाँ दे जवाब। ओए ओए मान जाओ, तू ना शरीफ है ना ईमानदार, तू बस बुजदिल है बुजदिल।
वो देख पाई सिद्धी जी गाल ले। मुझे ना ये थाने कचहरी से बड़ा डर लगता है, और पुलिस की चित्रौल के नाम पे यार मेरी तो रूह कांप जाती है। वाह भाई, बड़ी ईमानदारी है भाई तेरी। मतलब तुझे पुलिस का डर ना हो तो तेरी ईमानदारी जो है ना सड़क पे मरी पड़ी हो। बस आसान तरीके से पैसा आए फिर तुझे कोई मसला नहीं है, चाहे हराम तरीके से है चाहे दलाली से। ओ बकवास ना कर रहे। अच्छा चल छोड़ खाना का, जा दाल इधर कर। चुरकी को दाल डाल के लाया है। ओए वो दाल ते और पा के लाया। रंग से रंग न मिल पाए तो सौ सौ बल खाती है बेचारी, बेजोड़ मोहब्बत जैसे गुजर जाती है। कभी लबों की लाली कभी कानों की बाली, कभी पतझड़ के जैसी रूखी फीकी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं। किसी पे एहसान नहीं करे, मुझे घर में रहने की आदत नहीं है इसलिए जगह अपने रहने के काबिल बना रहे हो। ना तुम्हारे रहने के काबिल थी और ना कभी होगी, इधर से आई हो उधर ही जाओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बाप ऐसा भी हो सकता है जो अपनी बेटी को घर से निकाल के बाजार में रहने का मशवरा देगा। किसी को पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता। सफीना उस वक्त नहीं मरी थी जब आपने मारना चाहा था, तो अब भूख से क्या मरूंगी, कर लूंगी अपना कुछ ना कुछ। डॉक्टर कह रही है अगर मैंने इस दफा रिस्क लिया ना तो मैं दोबारा माँ नहीं बन सकूंगी। और माँ बनने का शौक तुम्हें क्या है? अजीब मर्द हो तुम, तुम्हें चुपड़ी ही चाहिए वो भी मुफ्त की, और साथ साथ ये भी चाहते हो बीवी काम भी करके आए और वफादार महबूबा भी बनी रहे।